नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की। दिनांक 7 मई को शाम 9:30 बजे भूपेंद्र जोगी अपनी रेडीमेड की दुकान जो कि न्यू मार्केट में स्थित है से घर लौट रहे थे, तभी बापू की कुटिया रोशनपुरा के पास 2 नकाबपोश युवकों ने धारदार हथियार से उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे कि पीठ पर और हाथ पर 40 टांके आए हैं। भूपेंद्र जोगी व्यापारी है और साथ ही हाल ही में इंस्टाग्राम पर भी फेमस है और 2 लाख से ज़्यादा फॉलोवर हैं। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही कोई विवाद है। अरेरा हिल्स थाने में 307 धारा में अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक अपराधियों का कोई सुराग नहीं है, ना ही कैमरा खंगालने गए हैं। भीड़भाड़ वाले इलाके में आचार संहिता के दौरान बड़ी घटना हुई, उनको 2 बार मारने की कोशिश की गई, दूसरी बार बचाव करने के चलते हाथ पर भी गंभीर चोट आई है। तो आप जैसे कि जानते हैं भूपेंद्र जोगी को कल रात इन पर जानलेवा हमला हुआ, गाड़ी पे 2 लोग थे, पीछे छुरी मारी गई है, ये देखिए यहाँ पे एक निशान है और एक यहाँ शोल्डर पड़ी है पीछे से, बाकी मैं डाल के बताता हूँ आपको सारी इंस्टाग्राम पोस्ट। ये देखिए अभी तक होश में नहीं आया भूपेंद्र जोगी, कल रात का कांड हुआ था ये, इनका पूरे शोल्डर पीछे से आया है, छुरी मारी गई है पीछे से, इन पर जानलेवा हमला किया है। अभी तक भूपेंद्र जोगी होश में नहीं, ICU में एडमिट थे, अभी जनरल वार्ड में शिफ्ट करा गया है। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।